Hello everyone, welcome to Let's Crack UPSC-CSE. This is me, Anirudh Malik. I welcome you all on Unacademy, India's largest online learning platform. So today I will start geography. Aaj hum geography start karenge. Yesterday humne geography ka jo first lecture tha, that is Earth in the Solar System, wo completely finish kiya. Pictures based questions ke us pe pura pictures form mein humne pure topic ko complete kiya. सो आज हम ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे और 6 टू 12 जैसे हमने बोला था कि कंप्लीट ज्योग्राफी का जो क्रैश कोर्स है वो कंप्लीट होगा और बेस्ट थिंग है कि सारा पिक्चर्स फॉर्म में होगा और 1 by 1 सारे चैप्टर्स सारी डाउट्स और सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके मैं क्लियर करूंगा ठीक है सो अगर स्टार्ट करने से पहले अगर मैं बात करूं अनअकैडमी लर्निंग ऐप के बारे में थोड़ा सा तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप स्टोर से और गूगल प्ले स्टोर से उसके बाद मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं myself अनिरुद्ध मलिक I done my BTech from UPTU I have a teaching experience of more than 4 years and I taught more than 20,000 of students so अब हम बात करते हैं अनअकैडमी की जो प्लेटफॉर्म है वो क्यों इतना सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म है अगर मैं बात करूं अनअकैडमी की अनअकैडमी पे मुन्नाल पटेल सर हैं जो इकोनॉमिक्स सिद्धार्थ अरोड़ा सर ब्योमकेश पहर सर काफ़ी सारी फैकल्टीज है जो एक्सपर्टीज है अपने फील्ड में और जो अपने वर्क को बहुत ही अपने जितने भी प्रोसेस है अपने जो अपने शेयर अपने व्यूज़ और अपनी जो नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बहुत अच्छे से आपकी जो प्रिपरेशन है उसको बूस्टअप करेंगे अगर मैं बात करूं आगे की जो आपका पैटर्न होगा कैसे आपको चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जैसे अभी करंट अफेयर्स का पूरा 2 ईयर्स का पूरा प्रोग्राम चल रहा है वो प्रोग्राम आपको डिस्कस किया जाएगा आपके साथ जैसे करंट अफेयर्स का पूरा प्रोग्राम है तो आप यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन है उसमें आप इस प्रोग्राम को पूरा देख सकते हैं और जितने भी हिस्ट्री पॉलिटी सारे सब्जेक्ट्स हैं वो सब कंप्लीट हो चुके हैं और आगे भी प्रोसीजर क्रैश कोर्स चल रहा है प्लस पे भी और आपका यूट्यूब पर भी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा रही हैं सो अगर मैं बात करूँ क्यों इतना अच्छा है उसके लिए अगर बात करूं इसका शेड्यूल के बारे में अगर शेड्यूल के बारे में बात करूं तो जो इसका शेड्यूल है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है आप किसी भी टाइम कभी भी कहीं भी इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हो आप नेसेसरी नहीं है कि आप कभी ऑफिस भी जाते हो कहीं भी जाते हो तो आप क्लास अटेंड नहीं कर पाते पर जो इसका शेड्यूल है वो इतना फ्लेक्सिबल है कि आप ऑफिस गोइंग पर्सन हो घर पर आपके पास जब भी टाइम है आप तब भी इसे क्लासेस को अपनी अटेंड कर सकते हैं लैंग्वेज की बात करूँ लैंग्वेज भी आपकी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं तमिल तेलुगू हिंदी इंग्लिश तो आप किसी भी लैंग्वेज में से पढ़ सकते हैं आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं आप हमारे जो एजुकेटर्स हैं उनसे कभी भी बात कर सकते हैं और आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं और मैं बात करूं कि कहीं भी किसी भी टाइम मैंने बताया था आपको अगर आपने क्लास या आपके कंसेप्ट कुछ भी क्लियर नहीं होते तो आप इसे मैनी टाइम्स कितनी बार देख सकते हैं सो अगर आप मैं सब्सक्रिप्शन की और फीस के बारे में बात करूँ अकेडमी की जो ऑफलाइन क्लासेस अगर आप ऑन एन अप्रॉक्स लेके चलो तो 2 लाख के मिनिमम 2 लाख के अप्रॉक्स ऑप्शनल और जो उसका जीएस का पेपर है उनकी फीस है पर जो अनअकैडमी है उसकी फीस बहुत ही नॉमिनल है उसकी फीस सिर्फ 40,000 रुपीज़ है और जिसमें 40,000 रुपीज़ में भी अगर आप मेरा कोड AM10 इस कोड को यूज़ करते हो अगर इस कोड को आप यूज़ करोगे तो आपकी 4,000 फीस आपको डिस्काउंट मिल जाएगा दैट इज़ तो आपकी फ़ीस हो जाएगी 36,000 सो आपकी 1 ईयर की जो फीस है वो 36,000 हो जाएगी और जो सबसे अच्छा चीज़ है आपके लिए कि अगर आप चाहते हो कि 2022 के लिए या 21 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप 2 ईयर्स का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जिसकी जो फीस है वो दोबारा रिवाइज हो चुकी है जो 48,000 हो चुकी है उस पर भी अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे AM10 तो आपको वहाँ भी 10% डिस्काउंट मिल जाएगा सो आपकी फ़ीस हो जाएगी 43,200 सो हम बात करें अपने टॉपिक के बारे में आज हम क्या टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज़ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड हमारा जो ज्योग्राफी है उसका चैप्टर सेकेंड है वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में क्यों हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की हमें ज़रूरत पड़ी क्यों हमें ये चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत पड़ी अगर मैं स्टार्ट करूँ तो जो हमारी अर्थ है वो बहुत ही वास्ट है जो हमारी अर्थ है उसका ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें वो 40,000 किलोमीटर से भी बड़ा जो उसका सर्कमफेरेंस है वो 40,000 किलोमीटर से भी बड़ा है सो प्रिसाइजली अगर हम किसी लोकेशन पे जाना हो तो वो ईजिली नहीं हो सकता हमारे लिए कि हम उस लोकेशन पे चले जाएं विदाउट किसी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के अगर मैं आपको पास्ट में जाऊँ जैसे वास्को डी गामा जब निकले थे वहाँ से अपने शिप के थ्रू तो वो अमेरिका जाना चाहते थे पर विदाउट एनी डायरेक्शन और किसी भी सिस्टम के उससे वो इंडिया में केरला में कालीकट कोर्ट पे आ गए थे तो
तो जिसके उससे उन्हें कोई भी डायरेक्शन नहीं मिली और कुछ भी नहीं मिला, तो एक लोकेशन पे जाना बहुत ही डिफिकल्ट था हमारे लिए अर्थ पे, कि लेट अस एज्यूम करूं मैं आपको दिल्ली है, तो मैं आपसे बोलूं दिल्ली में इंडिया गेट है, तो इंडिया गेट की लोकेशन है उस पर आप कैसे पहुंचोगे? तो अगर आपको पता ही नहीं कि कहां जाना है, तो आप कैसे इतने बड़े अर्थ के जो पूरा एरिया है वहां कैसे? तो उसके लिए हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बनाया जो साइंटिस्ट ने, और ईजी कर दिया चीज़ों को कि हम क्यों ईजली किसी भी पर्टिकुलर फिक्स प्लेस पे, जो हमारा जीपीएस अगर मैं बात करूं, हम रिसेंटली अब बहुत जीपीएस यूज़ करते हैं, तो जीपीएस क्या यूज़ करता है? जैसे हमारा जीपीएस है, हमने जीपीएस में अपने घर का एड्रेस डाल दिया मान के चलो होम का, तो जीपीएस पे अगर हम होम का एड्रेस डालते हैं तो जीपीएस उस पोजिशन की लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को आइडेंटिफाई करता है, जो उसकी लैटिट्यूड होगी और जो लॉन्गिट्यूड होगी उसे फाइंड कर लेता है, और फिर उस पर्टिकुलर प्लेस की डायरेक्शन को शो करता है। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बने और कैसे हमने उन चीज के थ्रू चीज़ों को ईजली किया। अगर जैसे मैं बताऊं तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बताता हूं। जो हमारा लैटिट्यूड होता है वो हमेशा वर्टिकल लाइन है, जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो हमारा लैटिट्यूड है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है। जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये इमेजिनरी लाइन होती है, मतलब जो हमारा अर्थ है, जो हमारी अर्थ का पूरा स्फीयर है, इस पर कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं है, कोई भी लाइन आपको ड्रॉ नहीं मिलेगी, ये सब इमेजिनरी लाइन की एक्सिस है। जो इमेजिनरी लाइन है वो फॉर्म की गई है हमने, जैसे हमारा इक्वेटर है, ये हमारी इक्वेटर, ये इमेजिनरी लाइन है, इसे हम 0 डिग्री कहते हैं, इक्वेटर को इमेजिनरी लाइन है। ये हमने एक फॉर्म की है, जो इक्वेटर है वो हमारी अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एक नदन पार्ट में और सदन पार्ट में। तो इमेजिनरी लाइन है जो हमने फॉर्म की है, ये कोई भी अर्थ पे कोई भी लाइन नहीं है ऐसी, सिर्फ हमने एक अपने ईज के लिए, अपनी लोकेशन को फाइंड करने के लिए खुद ही हमने इसे फॉर्म किया, ये इमेजिनरी लाइन है। तो ये इमेजिनरी लाइन अर्थ को जो इक्वेटर है इसे 2 पार्ट में डिवाइड करती है। जो इमेजिनरी लाइन हमारी लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड है, वो हमारी जो हमारी वो है वो वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, जो हमारी क्या कहते हैं आपकी लॉन्गिट्यूड लाइन है, वो हमारी लॉन्गिट्यूड तो हमारी वर्टिकल हो गई, और जो लैटिट्यूडनल हो गई वो हमारी हॉरिजॉन्टल हो गई। तो ये दोनों लाइन हमारी जो लोकेशन है पर्टिकुलर प्लेस की वो फाइंड करने में ईज करते हैं, कि कहाँ पे वो प्रेजेंट लोकेशन है। अगर मैं फिर आगे बात करूँ, जो हमारी अगर मैं लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करूँ, जो हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है, अगर हम उसके बारे में बात करें कि हमें ज्योग्राफिकल एरिया फाइंड करना है, तो उसमें हेल्प करता है हम कहाँ हैं, ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हमें ईजिली फाइंड करता है कि इस समय हम प्रेजेंटली कहाँ हैं, उस चीज़ को फाइंड करने में। अगर मैं बात करूँ ये क्या है, ये ग्रिड सिस्टम, मैंने बताया था आपको इमेजिनरी ग्रिड सिस्टम है और इमेजिनरी लाइंस हैं जो हमने अपने लैटिट्यूड पे, ये इमेजिनरी लाइन है। जैसे अगर मैं बात करूँ, इमेजिनरी लाइन है ये मैप और ग्लोब पे, जैसे ये आपकी ये इमेजिनरी लाइन तो है, ये इमेजिनरी लाइन है आपकी, ये इमेजिनरी लाइन ही तो है, ठीक है। ये हमारी जो आपकी लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड हमारी इक्वेटर की जो लाइन है वो लैटिट्यूडनल लाइन है, और जो हमारी पोल टू पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करती है, वो हमारी लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, ठीक है। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड फॉर्म एन इनविजिबल ग्रिड ओवर द अर्थ सरफेस, जो हमारा अर्थ सरफेस है उस पर जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है और जो मेरिडियंस है लॉन्गिट्यूड की, वो एक ग्रिड फॉर्म कर रही है, मैंने आपको बताया था, जिसके उससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो हमारी पर्टिकुलर लोकेशन है उसे बहुत ही एक्यूरेसी के साथ फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। जो एक चीज़ और बता दूँ, जो हमारा लॉन्गिट्यूड होता है, जो हमारा लॉन्गिट्यूड होता है उस पर हमेशा डेट और टाइम सेम होता है, मैं आगे इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करूँगा क्यों डेट और टाइम सेम होता है। और जो हमारा लैटिट्यूड होता है इस पर ऑलवेज टेम्परेचर सेम होगा, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर होगा मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे, क्यों? क्योंकि ये सेम जो हमारी, जैसे मान के चलो ये हमारी लैटिट्यूडनल लाइन है, तो ये वाली लैटिट्यूडनल लाइन है ना, इस पूरी लैटिट्यूडनल लाइन पे हमारा सेम टेम्परेचर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद बात करूँ, जो हमारी लैटिट्यूडनल लाइन है, लैटिट्यूडनल लाइन हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, मैंने बताया था लैटिट्यूडनल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल जो इक्वेटर जिस पोजीशन में, उस पोजीशन में ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म कर गई है, ठीक है, जिससे उससे हमें ईज होता है कोई भी प्लेस के बारे में बताने के। अगर फिर मैं बात करता हूँ जो हमारा लैटिट्यूड है, जैसे लैटिट्यूड के बारे में सबसे पहले बात करूँ, जो हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है वो हमारा लैटिट्यूडनल लाइन है, ये हमारी जो भी लाइन हॉरिजॉन्टल होगी वो हमारी लैटिट्यूडनल लाइन होगी। जैसे हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर ये 0 डिग्री है, ठीक है,
जो हमारी अर्थ है ना वो दो पार्ट में डिवाइड हुई है हमारे इक्वेटर से, एक नदन और एक सदन, ठीक है। तो जो हमारा इक्वेटर है ना, इससे जो भी एंगुलर डिस्टेंस बनता है इक्वेटर से, जीरो डिग्री से जो हमारा एंगुलर डिस्टेंस बनेगा, जो भी लाइन बनाएगी वो एंगुलर डिस्टेंस जैसे जैसे बनेगा, वो एंगुलर डिस्टेंस हमारा पूरा 90 डिग्री का एंगुलर डिस्टेंस बनता है। एक एक डिग्री का एंगुलर डिस्टेंस बनेगा, जैसे यहाँ से एक एंगुलर डिस्टेंस बनाया लाइन ने, एक डिग्री, टू डिग्री, थ्री डिग्री, उसके बाद ये 0 to 90 डिग्री का ये एंगुलर डिस्टेंस बनाती है, ठीक है। 0 to 90 डिग्री का ये एंगुलर डिस्टेंस है दोनों साइड, इधर भी, ईस्ट में भी और वेस्ट में भी। तो ये टोटल 90 जो लाइंस हो गई हमारी, 90 इमेजिनरी लाइंस हो गई 1-1 डिग्री की, जो हमारा 0 से 90 डिग्री जो हमारा इक्वेटर है पोल से लाइंस फॉर्म होती है, ठीक है। ये अगर मैंने देखो आपको बताया जैसे कि हमारा 0 से 90 डिग्री की फॉर्म होती है। जो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड है वो हमारा ईस्ट टू वेस्ट मूव करती है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, जैसे हमारा ईस्ट से ये हमारा पूरा सर्कल ईस्ट टू वेस्ट है, एंगल फॉर्म करती है, ठीक है। और जो हमारी लैटिट्यूडनल लाइंस है वो पैरेलल है। पैरेलल कैसे? अगर जो लैटिट्यूडनल लाइन है, जैसे एक लैटिट्यूड लाइन है ये, तो जो सी दूसरी लैटिट्यूडनल लाइन होगी ना वो एक दूसरे के पैरेलल होगी। अगर मैं आपको यहाँ शो करना चाहूँ, ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगी, ये वाली ऊपर वाली और ये नीचे वाली, ये एक दूसरे के पैरेलल लाइंस है। मतलब इनमें जो डिस्टेंस है वो इक्वी डिस्टेंस है, हर एक प्लेस पे इक्वी डिस्टेंस है, सारे जो भी प्लेसेस हैं उन पे जो इनके बीच में गैप है वो इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं लाइंस ऑफ लैटिट्यूड मीजर डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ फ्रॉम द इक्वेटर, जो इक्वेटर से नॉर्थ टू साउथ मीजर करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया इक्वेटर है हमारा, ये इक्वेटर हो गया, तो इससे 90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री साउथ में, तो लैटिट्यूडनल लाइंस दोनों तरफ मेजर होती है, ठीक है। जो हमारा डिस्टेंस है, जैसे अभी मैंने बताया ये लैटिट्यूडनल लाइन है और ये दूसरी लैटिट्यूडनल लाइन है, तो जो लैटिट्यूडनल लाइन के बीच में जो डिफरेंस है ना एक दोनों के बीच में, वो 69 माइल्स है, ठीक है। 69 माइल्स है, ठीक है। और वो 69 माइल्स अगर किलोमीटर में करें तो 101 किलोमीटर जो दो लाइंस है ना उनके बीच में, और अप्रोक्स 110 किलोमीटर दोनों के बीच में डिफरेंस है, ठीक है। जो हमारा नदर्न हेमिस्फीयर है उसमें 0 से लेके 90 डिग्री अबव, और सदर्न हेमिस्फीयर में भी 0 से 90 डिग्री नीचे की तरफ हमारी जो लैटिट्यूडनल लाइंस है वो फॉर्मड होती है, ठीक है। और एक जो लैटिट्यूडनल लाइन है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 110 किलोमीटर का है, ठीक है। और जैसे जैसे हम इक्वेटर पे जाएंगे, इक्वेटर के या पोल पे जाएंगे, तो जो दोनों का जो हमारा पोल्स है उस पे जो डिस्टेंस है उनके बीच में वो कम हो जाता है। वो कैसे कम? अगर आपको मैंने बताया था कि जो हमारा इक्वेटर है ना, इक्वेटर पे जो हमारा अर्थ है जैसे जैसे पोल की तरफ मूव करेगी तो यहाँ से बल्ज है, थोड़ा सा मतलब प्रेस हो जाती है, जो हमारी अर्थ है वो प्रेस है ऊपर के साइड से, तो प्रेस होगी तो जो ऊपर का सर्कमफेरेंस वो थोड़ा कम होगा, जिसके उससे जो उसके बीच में जो डिस्टेंस या गैप होगा वो ऊपर जाके कम हो जाएगा, ठीक है। नीचे क्योंकि ज़्यादा है, ऊपर थोड़ा कम है एरिया, तो उनकी लेंथ भी ऊपर जितनी जितनी, जैसे हमारी जो लैटिट्यूडनल लाइंस है इक्वेटर से जैसे जैसे मूव करती चलेगी ना पोल की डायरेक्शन में, उनकी लेंथ कम होती चली जाएगी, क्योंकि जो सेंटर है हमारा, जैसे अर्थ इक्वेटर है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पर जो हमारी जो लेंथ है इक्वेटर की, जो लैटिट्यूडनल लेंथ है वो सबसे बड़ी होगी, और उसके बाद जैसे जैसे वो पोल की डायरेक्शन में मूव करती चलेगी वो लेंथ कम होती चली जाएगी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्लाइमेट जोन की, जैसे कैसे कैसे हमारे क्लाइमेट जोन डिवाइडेड हुए हैं। अगर मैं बात करूँ, ये मैंने इक्वेटर बताया आपको, ठीक है। उसके बाद इक्वेटर के बाद ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और ये आपका आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, ये सब इमेजिनरी लाइन्स है ग्रिड की फॉर्म, जी ये भी इमेजिनरी लाइन्स है जो हमने फॉर्म की है। जैसे इक्वेटर है, इक्वेटर 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री पे दैट मीन्स कि यहाँ पे जो मैक्सिमम जो सनलाइट है वो यहीं पे डायरेक्टली फॉल होती है, ठीक है। उसमें से हमने जोन बनाया 23 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ की डायरेक्शन में, और 23.5 में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। तो जो ये एरिया है इसके बीच का, इसे हम ट्रॉपिक जोन कहते हैं, ट्रॉपिक जोन, जो हमारा एरिया है इसे हम ट्रॉपिक जोन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस एरिया पे जो हमारा हीट है ना, जो सन की हीट रेज है वो मैक्सिमम इसी एरिया पे फॉल होती है, तो इस एरिया का जो टेम्परेचर होता है ना वो हॉट होता है, ठीक है। क्योंकि जो हमारा 23 डिग्री, 23.5 और 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन, दोनों पे
वन ईयर में एटलीस्ट वन टाइम जो हमारी सन रेज है वो डायरेक्टली परपेंडिकुलर फॉल होगी, क्योंकि मैंने बताया था पहले कि जो हमारी अर्थ है वो स्लाइटली टिल्ट है, टिल्ट है, तो टिल्ट होने के उससे 23.5 डिग्री पे जो उसका वो है वो टिल्ट है, तो जिसके उससे डायरेक्टली जो सनलाइट है ना 23.5 पूरे ईयर में वन टाइम, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में भी 23.5 जो साउथ है उसमें वन ईयर में डायरेक्टली परपेंडिकुलर जो हमारी लाइन है वो फॉर्म होगी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसे सदर्न फ्रीज जोन की बात करें, हम जैसे हमने बात की फ्रीज जोन क्या है, फ्रीज जोन सबसे पहले बात करता हूँ मैं आपको पोलर रीजन, ये फ्रीज जोन है जो हमारा 66 डिग्री है, ये हमारा 66.5 डिग्री है आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल से 66.5 से और 90 डिग्री जो हमारा नॉर्थ पोल है जो इसके बीच का एरिया है उसे हम फ्रीज जोन कहते हैं, ठीक है। और यही चीज हमारा साउथ में जो हमारा अंटार्कटिक है 66.5 से नॉर्थ में, तो एक तो हमारा साउथ फ्रीज जोन हो गया, एक हमारा नॉर्थ फ्रीज जोन हो गया। जो हमारा साउथ फ्रीज जोन है वो नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्कल जो 66.5 नॉर्थ है जो उसके बीच का जोन है, वहां पे क्योंकि जो सनरेज है वो डायरेक्टली फॉल नहीं होती, जो वहां का टेम्परेचर है वो बहुत ही लो होता है और मैक्सिमम वहां पे जो आइस कवर्ड एरिया होता है पूरा, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं लाइज बिटवीन नॉर्थ पोल एंड आर्कटिक सर्कल, वो हमारा नॉर्थ फ्रीज जोन हो गया, और जो हमारा अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच का एरिया है 66.5 का, वो हमारा सदर्न फ्रीज जोन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बताया था आपको टोराइड जोन, इसे जैसे हम ट्रॉपिक जोन भी कहते हैं, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है वो हमारा क्या है, ट्रॉपिक जोन है। उसके बाद अगर मैं बात करूं नॉर्थ टोरिड जोन, वो हमारा नॉर्थ जो टोरिड जोन है वो इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में, जैसे हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 नॉर्थ है और उसके बाद 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, जो हमारा नॉर्थ टोरिड जोन है ट्रॉपिक जोन है नॉर्थ का वो हमारा 23.5 अबव है और 23 जो नीचे है वो हमारा साउथ टोरिड जोन है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें कि जो हमारी लैटिट्यूडनल लाइंस है इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, जैसे हमारा एरिया ऑफ साउथ है वो ट्रॉपिक साउथ और नॉर्थ का, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, जो हमारा एरिया ऑफ नॉर्थ है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन हमारा साउथ में, तो जो एरिया है ना इसमें यहाँ का जो टेम्परेचर है वो वार्म रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी सन की रेज है वो डायरेक्टली फॉल होती है। जब हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में हमारा समर रहेगा मतलब जब गर्मी रहेगी, और तो वो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में हमारा विंटर रहेगी, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो टिल्ट है जिसके उससे जो हमारी जो सनरेज है वो फॉल होती है, जो हमारी सनरेज है वो फॉल होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, देन जो हमारा एरिया है तो वो कवर्ड मतलब कवर्ड होता है, उस पर सनरेज फॉल नहीं होती डायरेक्टली जिसके उससे वहां पे विंटर होती है, तो अल्टरनेटली इस तरह होता है कि अगर एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे समर है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे विंटर है, और जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसलिए जो नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें इंटरचेंज होता है, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा विंटर है तो सदर्न हेमिस्फीयर में हमारा समर होगा, जब हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर है तो विंटर हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में होगा, कि ये सारी चीज जो हमारा सन है जो हमारी अर्थ है वो टिल्टेड है उसके उससे सब कुछ होता है, कि एक बार नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे समर होती है फिर अल्टरनेट इस तरह चेंज करते रहते हैं, ठीक है। जो हमारा ट्रॉपिक इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड व्हिच इन द साउथर्न हेमिस्फीयर कम्स बिफोर द कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज द साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो चीज मैंने चीजें बताई वही है कि चीजें कैसे, अगर ऊपर की तरफ देखें तो अगर हमारा जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो वो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हमारा समर है तो हमारा विंटर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में होगा, ठीक है, अंडरस्टैंड। फिर अगर मैं बात करूं कि जो हमारी जो ये लैटिट्यूड है उसका क्या वो है, मतलब रोल क्या है जो हमारा लैटिट्यूड है, जैसे हमारा लैटिट्यूड है वो किसके रोल के बारे में बात करता हूँ, जो हमारा लैटिट्यूड है 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, ठीक है, तो जैसे हमारी सन की जो रेज है वो फॉलो ही लैटिट्यूड पे, ठीक है, हमारी सन रेज फॉलो ही लैटिट्यूड पे, ठीक है, जैसे हमारी सन रेज जब फॉलो ही लैटिट्यूड पे तो वो पूरे ही लैटिट्यूड पे सेम फॉल होगी, ठीक है, क्योंकि अगर वो सन रेज यहाँ से फॉल हो रही है, लेट अस अज्यूम यहाँ से सन रेज फॉल हो रही है तो वो इस लैटिट्यूड पे तो पूरे ही लैटिट्यूड पे सेम होगी, तो पूरे लैटिट्यूड पे एक लैटिट्यूड पे हमेशा टेम्परेचर है वो सेम होता है, ठीक है, हमेशा जो लैटिट्यूड होगा उस पे हमेशा टेम्परेचर सेम होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करूं, फिर मैंने बताया था ये इमेजिनरी लाइन है जो हमारे साउथ ऑफ लैटिट्यूड है, साउथ ऑफ इक्वेटर है, मतलब मैंने ये 23 डिग्री या जो साउथ का एरिया है
तो 23.5 जो साउथ का एरिया है, इस पे जो 23.5 का वो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा, जो 23.9 नॉर्थ का एरिया है वो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा। ठीक है, अब मैं चीज़ें अगर आपको बात करूं, जैसे ये हमारा आर्टिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, इनके बारे में, जैसे हमारा अंटार्कटिक सर्कल है, अंटार्कटिक सर्कल ये वाला नीचे, ये साउथ का, ये 66.5 है। ठीक है, जो 66 साउथ है, यहाँ पे जो सन है ना वो क्या कहते हैं, दिसंबर के टाइम पे नहीं होता, क्योंकि जो आपने नोटिस किया होगा कि जो हमारा नॉर्थ एरिया है, नॉर्थ एरिया यहाँ पे विंटर होती है, तो हमारा जो साउथ है, ठीक है, तो यहाँ समर होगा। ठीक है, तो साउथ में समर होगा, विंटर ऊपर होगा, तो वही चीज़ है, द सन डजंट सेट ऑन इतना, क्योंकि जो हमारा साउथ का 66.5 है, यहाँ सन कभी भी सेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा विंटर तो ऊपर की है, तो यहाँ पे समर होगा ना, तो वो जो समर, जो अर्थ टिल्ट है, टिल्ट होने के उससे जो डायरेक्ट एंगल है सन का, वो 66.5 के ऊपर फॉल हो रहा है, तो जिसके उससे हमारा यहाँ पे कि जो साउथ का एरिया है उस पर सन कभी भी सेट नहीं होता, और जो हमारा इसके उससे जो हमारा फ्रीज जोन है वो साउथ टेम्परेट है, तो अंटार्कटिक सर्कल और हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न, मतलब 23.5 साउथ और 66.5 जो हमारा ये साउथ में अंटार्कटिक सर्कल है, इसे साउथ फ्रीज जोन बोलते हैं। सेम केस है हमारा आर्कटिक सर्कल का, जो हमारा आर्कटिक सर्कल है उसमें जो 21 जून होती है, क्योंकि हमारा समर फिर अब कहाँ होगा, आर्कटिक सर्कल हमारा नॉर्थ में, तो हमारा समर हो गया नॉर्थ में, तो नॉर्थ में जब हमारा समर हो गया तो दैट मीन्स हमारा सन हमारा फॉल हो रहा है 66.5 आर्कटिक सर्कल पे, तो 21 जून को हमारा सन कभी भी सेट नहीं होता हमारे आर्कटिक सर्कल पे, 24 आवर्स हमें सनरेज वहाँ पे प्रोवाइड होती है। ठीक है, ये चीज़ है आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल, जो मैंने बात को बताया, ये आपका एरिया है 66.5 नॉर्थ और 66.5 साउथ। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कि जो हमारी लाइंस ऑफ लैंगिट्यूड है, अभी तक तो हमने क्या कहते हैं लैटिट्यूड के बारे में बात की थी और लॉन्गिट्यूड के, फिर मैं अगर आपको चीज़ें एक वे बताऊं कैसे आप याद, जैसे लॉन्गिट्यूड है, सॉरी लैटिट्यूड है, ठीक है, लैटिट्यूड मतलब ये लाइन लेटी हुई, जो चीज़ लाइन लेटी, लैटिट्यूड लैटिट्यूड जो भी स्ट्रेट यू करके फ्लैटन लाइन हो, लेटी हुई, उसे हम लैटिट्यूड कहेंगे, और जो लाइन भी हमारी इस तरह, ये लॉन्गिट्यूड होंगी। क्यों लॉन्गिट्यूड होंगी, हमेशा लॉन्ग मतलब लंबाई जो आप कहोगे, तो वो लॉन्ग जो खड़ी हुई चीज़ें होंगी वो हमेशा लॉन्गिट्यूड होंगी। ठीक है, सो लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आल्सो नोन एज मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, क्यों लॉन्गिट्यूड ऑफ मेरिडियंस कहा जाता है, जैसे हमारा अर्थ है इक्वेटर से हमारा नॉर्थ और साउथ हेमिस्फेयर में डिवाइड कर दिया, ऐसी जो हमारा ये है ना पोल का एरिया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये भी टू पार्ट में डिवाइड कर दिया, कैसे, यहाँ पे जीरो डिग्री एरिया बना दिया जिसे ईस्ट और वेस्ट में कर दिया, ये वाला एरिया जीरो डिग्री के इधर राइट में ईस्ट हो गया और इसके इधर ये वेस्ट हो गया, तो जिसके उससे जो भी ये प्राइम मेरिडियन कहते हैं जीरो डिग्री, जो भी एंगल बनाती है इस प्राइम मेरिडियन के साथ, वो लाइन्स हमारी लाइंस ऑफ मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड होती हैं, क्योंकि जो इसे जीरो डिग्री को हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, ये जीरो डिग्री है ग्रीनविच मीन ऑफ टाइम, जहाँ से हमारा जो अर्थ का, जैसे अर्थ है हमारी, तो अर्थ में हमारा टाइम होता है। ठीक है, हमारी अर्थ का जो टाइम है, पूरी जो अर्थ है तो उसका टाइम अलग अलग जोन होंगे, तो हमारा जो 12 नून है, जो हमारा टाइम फिक्स किया था वो ग्रीनविच मीन टाइम से कर दिया था प्राइम मेरिडियन, जो कि इंग्लैंड में, उस टाइम इंग्लैंड का जो मेन था पूरे वर्ल्ड पे, जो पावर थी वो इंग्लैंड थी, ब्रिटिशर्स की थी, तो उन्होंने अपने ही सेंटर से प्राइम मेरिडियन को पास कर दिया था, डेट इज जीरो डिग्री। ये प्राइम मेरिडियन है वो डिसाइड करती है डेट को, डेट और टाइम को, जो जीरो डिग्री है वहाँ पे डेट उससे ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ होगा, अगर आप ईस्ट में जाओगे तो आपकी डेट ऐड होगी, मतलब आपका दिन ऐड होगा, मतलब कि आप पहले हो, आप अहेड चल रहे हो, वेस्ट में आप पीछे जाओगे। ठीक है, क्योंकि जो हमारा सनराइज होता है ना, वो सनराइज और सनसेट ईस्ट में ही होता है, अंडरस्टैंड। ठीक है, अगर हम बात करें लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड की, तो लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड है वो क्या कहते हैं, सेम डिस्टेंस नहीं है ईच अदर। देखो अगर मैं बात करूँ, जैसे हमने बात की थी लैटिट्यूड की, तो लैटिट्यूड में अगर आप ये चीज़ देख रहे हो, तो मैंने बताया था सारी लैटिट्यूड में जो डिस्टेंस है ना वो सेम है, क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल है, पर जो हमारी ये लॉन्गिट्यूड है ना, इनके बीच में डिस्टेंस नहीं है, कहीं ज्यादा इक्वेटर के पास ज़्यादा है,
ठीक है, तो ये चीज होती है, ठीक है, ये चीज है। तो हमारा जो डिस्टेंस है ना, क्या कहते हैं, जो हमारी प्राइम मेरिडियन है, इसमें सेम नहीं है, ठीक है। जो हमारी प्राइम मेरिडियन है वो ईस्ट और वेस्ट देखी जाती है, ठीक है, क्योंकि हमारी ईस्ट से जाके वेस्ट भी तो करेंगी। अगर मैं बात करूँ टोटल प्राइम मेरिडियन की और लॉन्गिट्यूड की, तो जैसे हमारा प्राइम मेरिडियन है ये 180 डिग्री ईस्ट की तरफ होती है और 180 डिग्री वेस्ट की तरफ होती है, ठीक है। तो हमारी प्राइम मेरिडियन टोटल 180 तो कितनी हो गई, 360, ठीक है, 360 हो गई। पर अगर आप देख रहे होंगे, जब ये 180 डिग्री ईस्ट और दोनों 360 डिग्री हो गई, तो टोटल कितनी लाइंस हो गई, 360 लाइंस हो गई हमारी। जो टोटल नंबर्स ऑफ लाइंस है वो 360 लाइंस हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देख रहे होंगे 360 लाइंस है, पर एक लाइन कॉमन भी तो है बीच में, जो इधर से ही हो और इधर से जब दोनों एक दूसरे को मिलेंगी दोनों से, तो एक कॉमन लाइन हो जाएगी, तो -1 जो हमारी टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड लाइंस है वो 359, ठीक है। अगर क्वेश्चन आए टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड लाइंस, वो 350 है। और अगर आए टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल लाइंस, तो मैंने बताया था 90 तो ऊपर की तरफ हो गई, 90 नीचे की तरफ हो गई, तो टोटल कितनी हो गई, टोटल हो गई आपसे 0 ही है, 0 से 90 ऊपर और 0 से 90 नीचे, तो 90 ऊपर प्लस 90 नीचे, टोटल 180 हो गई, ठीक है। पर हमारी एक इक्वेटर भी तो है जो 0 डिग्री है, तो +1, तो टोटल हमारी जो हमारी लैटिट्यूडनल लाइन है वो 181 है, और जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल लाइन है वो टोटल 359 है, ठीक है। जो हमारी लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड है वो हमारी फार्देस्ट अपार्ट एट इक्वेटर, जैसे हमने लॉन्गिट्यूड बताया, तो लॉन्गिट्यूड में जो डिस्टेंस है ना, ये लॉन्गिट्यूड है ये मैं बता रहा हूँ, तो जो इक्वेटर के बीच में, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि इक्वेटर के पास आप देख रहे हो कि जैसे जैसे इक्वेटर के पास आ रही है, तो ये एंगल इस तरह हो, आप कोई भी चीज़ है पोल है, तो पोल से अगर इस तरह कोई चीज़ें आ रही है, तो उसका जैसे जैसे इक्वेटर के पास आएंगी, मतलब सेंटर पे, ये सेंटर है तो यहाँ पे जो लाइन आएंगी, तो सेंटर पे आने के बाद लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा। जैसे जैसे पोल है तो ऊपर से ही मर्ज होती, कन्वर्ज होती चलेगी, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कम होगा कंपेयर टू इक्वेटर। इक्वेटर पे जो हमारे बीच में, जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, अंडरस्टैंड। फिर अगर हम बात करें, जो हमारी लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड है ना, वो एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों को कनेक्ट करती हैं, कि देखो जैसे ये यहाँ पे नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो इसी से ही तो ये हो रही है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ये इस तरह होती है, ठीक है। तो लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड है ना, जो वो इक्वेटर को राइट एंगल पे वो करती है। जब भी हमारी लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड होगा ना, वो इक्वेटर को हमेशा 90 डिग्री पे कट करेंगी, ठीक है। जो एंगल बनेगा इक्वेटर लॉन्गिट्यूड का, वो 90 डिग्री होगा हमेशा, ठीक है। और जो हमारी लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड है, लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड है वो हाफ्स ऑफ ग्रेट सर्कल है, मतलब जो ग्रेट सर्कल है उसका हाफ है, क्योंकि जैसे मान के चलो एक पूरी लाइन है, ये कंप्लीट है, यूँ एक लाइन इधर हो गई, फिर उसके बाद ये पूरा यूँ करके चल रहा है, तो उसके बाद जो हाफ है, हाफ वाला एरिया, ये हमारा हाफ एरिया है, ये हाफ एरिया एक हो गया ना, तो ये कंप्लीट तो पूरा कर रहा है, तो जो ग्रेट सर्कल है उसका हाफ है, ठीक है। द प्राइम मेरिडियन और मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच पासिस एज ग्रीनविच इंग्लैंड, मैंने बताया था जो जीरो डिग्री है, जहाँ से हमारा टाइम मेजर होता है, वो हमारा ग्रीनविच से पास होता है, वो जीरो डिग्री है। जैसे हमारा इक्वेटर, जो हमने अपनी इमेजनरी लाइन है वो इक्वेटर बनाई है जीरो डिग्री, तो जैसे ही हमने जो टाइम की और डेट की लाइन है वो हमने ग्रीनविच इंग्लैंड से पास होती है, तो उसी के ईस्ट में 180 डिग्री और वेस्ट में भी 180 डिग्री। सो हमारी जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ना, और जो हमारी क्या कहते हैं इंटरनेशनल टाइम लाइन है, वो हमारी डेट लाइन तो हमारा क्या कहते हैं अलग अलग सेपरेट करती है, और जो टाइम लाइन है वो ग्रीनविच से, ठीक है। इंटरनेशनल टाइम लाइन हमारा जीरो डिग्री है, वो हमारा ग्रीनविच से, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं कैसे चीज़ें होती हैं इंटरनेशनल टीम और टाइम और डेट के बारे में, जैसे मैं अब बात करूं, जो हमारा मैंने बताया था कि जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल है, लॉन्गिट्यूडनल हमारा टाइम को वो करती है, इस पे टाइम दिखाती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं जैसे हमारी अर्थ का मैंने कितने बताए, टोटल 360 डिग्री है, ठीक है। जो हमारा अर्थ है टोटल 360 डिग्री का ल्यूशन है, ठीक है, उसमें 360 कितने, 24 आवर्स, कितने 24 आवर्स में, ठीक है। तो अगर मैं 24 आवर की बात करूं, 24 आवर टू 360, सो 1 जो हमारा 1 है, अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 हो जाएगा हमारा 1 आवर में 15 डिग्री।
1 hour में हमारे 15 डिग्री है वो टाइम चेंज होता है। तो अगर मान के चलूँ 15 डिग्री है, यहाँ से इसने 15 डिग्री हुआ, ये 0 डिग्री है, ये 15 डिग्री हुआ, तो इसके बीच में जो वो होगा वो 1 hour होगा टाइम डिफरेंस। अगर यहाँ 5 o'clock हो रहे हैं तो यहाँ 6 o'clock होंगे, 15 डिग्री में 1 hour का डिफरेंस होगा। ठीक है, ठीक है। सो हमारा 1 degree में कितना होगा, सो हमारा 1 degree 4 minute होगा। ठीक है, आप डिवाइड कर लो ना, ये 60 हो गया, 60 मिनट, तो 60/15 4 मिनट। तो दैट मीन्स अगर हम 1 degree कवर करेंगे तो हमारा जो टाइम होगा वो 4 मिनट होगा। ठीक है, क्वेश्चंस पुटअप हो जाते हैं कि जैसे हमारा ये 0 degree है, ये 0 degree हो गया हमारा, ये हमारा ग्रीनविच टाइम हो गया, ये हमारा इंडिया है जो 82.5 है, इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 82.5 है। ठीक है, इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है, जो इंडिया की लाइन है, जो इंडिया के टाइम को डिवाइड करता है वो 82.5 है, जो नैनी इलाहाबाद वहाँ पे सिचुएटेड है उसे हम इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं। वो चीज़ें भी क्लियर करूँगा, अभी अगर मैं बताऊँ 82.5 है तो हम ग्रीनविच टाइम से कितना आगे हैं, क्योंकि मैंने बताया था इधर की टाइम हमारा टाइम ऐड होता है, इधर की तरफ माइनस होता है, मतलब हम इतने आगे चल रहे हैं। तो 82.5 है, ठीक है, 82.5, तो हमारा 82.5 हो गया, हमारा जो डिग्री इतने आ गया, तो 82.5 डिग्री, 1 degree में कितना, 4 मिनट। तो अगर हम 4 से इंटू करेंगे तो हमारा जो टोटल वो होगा वो आएगा हमारा 5 hour 30 minute, मतलब कि हम 5 hour 30 minute जो हमारा ग्रीनविच है उससे आगे चल रहे हैं। समझे, ये आपकी टोटल मिनट्स आ जाएंगी, उसे आवर में 5 hour 30 minutes हो जाएंगे, तो हम 5 hours 30 minutes। फिर क्वेश्चन इस तरह आ जाता है कि हम हैं यहाँ पे, हम वो एज्यूम करो कि हम इधर हैं 60 डिग्री वेस्ट पे, ठीक है, और जो हमारा टाइम है यहाँ 10 डिग्री ईस्ट है, तो बताओ इन दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस कितना होगा। तो 60 डिग्री तो हमारा वेस्ट हो गया प्लस हमारा 10 डिग्री ईस्ट हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 70 डिग्री। अब 70 डिग्री को हम 4 से इंटू कर देंगे, तो क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो 280 मिनट्स हो गए, तो 280 मिनट्स हो गए, दैट मीन्स हम 4 hour 40 minutes जो हमारा ईस्ट का है ये वाला टाइम 10 डिग्री पे, तो ये 10 डिग्री इस वेस्ट के 60 डिग्री से 4 hour 40 minutes आगे। चीज़ों को समझ गए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, इसमें प्राइम मेरिडियन इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में बात करते हैं। जो प्राइम मेरिडियन है वो और इंटरनेशनल डेट लाइन है वो अर्थ को 2 में डिवाइड करती है, ठीक है। मैंने बताया था जो ग्रीनविच लाइन है, ग्रीनविच लाइन हमारा जो टाइम को भी डिवाइड करती है, टाइम को, क्योंकि 0 degree है, और वो डेट को भी। अगर आप ईस्ट की तरफ चलोगे तो आप डे में इंक्रीज करोगे, अगर आप वेस्ट की तरफ चलोगे तो आप 1 day पीछे हो। जैसे ही अगर ग्रीनविच है, ये ग्रीनविच है कि चलो ये देखो ग्रीनविच लाइन है, मैं आगे समझाना चाहता हूँ, ये आपकी ग्रीनविच लाइन है, इस ये इंग्लैंड में जो ग्रीनविच है लंदन वहाँ पे इस तरह बनी हुई है ग्रीनविच लाइन है, 0 degree ये लाइन है। अगर मान के चलो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, अगर आप इस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, तो आपका 1 day इंक्रीज हो रहा है, और आप जैसे ही इधर इधर की तरफ आ जाओगे इसके वेस्ट तरफ ग्रीनविच के, तो आप 1 day लेस चले जाओ। समझे जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब फिर वही बात कह रहा था कि मैं, द प्राइम मेरिडियन इंटरनेशनल डेट लाइन डिवाइड द अर्थ इंटू ईस्टर्न एंड हेमिस्फेयर एंड ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर, 2 parts में डिवाइड कर रही हूँ। जो ईस्टर्न हेमिस्फेयर है इज ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन, वो ईस्ट की तरफ है, और जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर है वो इंटरनेशनल डेट लाइन के वेस्टर्न साइड में। एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड मोस्ट ऑफ द अफ्रीका आर पार्ट ऑफ ईस्टर्न हेमिस्फेयर। जैसे हमने देखा होगा जो लंदन है वो ग्रीनविच 0 degree है, तो उसके इधर वाला जो एशिया हो गया हमारा, अफ्रीका का भी मोस्ट ऑफ द पार्ट, और ऑस्ट्रेलिया, सब ईस्ट में, ईस्ट डायरेक्शन में आपका इंटरनेशनल डेट लाइन है, ठीक है, समझे। और जो अमेरिका है और ब्रिटिश आइलैंड्स है वो हमारा वेस्टर्न डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। फिर अगर हम बात करें लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है, जो हमारी लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड है ना वो 0 degree कहाँ पे बताई थी मैंने, ये 0 degree है, ये 0 degree कहाँ पे है, ये 0 degree है हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन, 0 degree है जो ग्रीनविच में है, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, ईस्ट टू वेस्ट यहीं से मीजर होता है, इसी से ईस्ट और वेस्ट हमारा दोनों होता है, ठीक है।
उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, इसे जो ग्रीनविच है, ये 1884 में इसे ऑफिशियली इंटरनेशनल डेट लाइन बोल दिया था, 1884 में ब्रिटिश, क्योंकि उस टाइम 1884 के जो ब्रिटिश पावर थी उसकी काफ़ी ज़्यादा ऑटोनॉमी थी, तो वहाँ पे जो उन्होंने खुद को लंदन है उसमें, लंदन में ही इसे इंटरनेशनल डेट लाइन को ग्रीनविच जीरो डिग्री बोल दिया था, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था टोटल जो लॉन्गिट्यूड है वो 360 डिग्री है, 180 डिग्री लेफ्ट है, 180 डिग्री लाइट राइट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस पे आते हैं, चीज़ें समझ आई ना, देखो चीज़ें सिंपल सी हैं। एक बार अगर मैं दोबारा आपको ऊपर चलूँ, चीज़ें बताना चाहूँ कैसे कैसे, ठीक है। ये हमारा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का कुछ नहीं, सिंपल सा आपको बताया, ये इक्वेटर है, ठीक है, 90 डिग्री, इससे 90 डिग्री ऊपर की तरफ और 90 डिग्री नीचे की तरफ हमने इमेजिनरी लाइन फॉर्म की, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। जो अबव 90 डिग्री है उसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्टिक सर्कल और जो हमारा नॉर्थ पोल है वो अबव उसमें हो गया। तो इस एरिया में जो 90 डिग्री का है ऊपर वाले में और जो नीचे वाला, ये टोटल लाइंस बनी है, ये टोटल 181 लाइंस है, ठीक है। 90 अबव साइड में, 90 नीचे, 180, तो जो लाइंस है इन पे जो सेम लैटिट्यूड, लोअर लैटिट्यूड है, तो सेम लैटिट्यूड पे जो टेम्परेचर हमेशा हमारा सन सेम रहेगा, क्योंकि मैंने बताया था जैसे सन है जब फॉल करेगी जो सन की रेज, तो सन की रेज या तो इस लैटिट्यूड पे फॉल करेगी तो सेम होगा ना पूरे पे, वो इधर तो स्लैंटिंग हो जाएगी ना उसकी, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट होगा। तो टेम्परेचर होता है वो हमारा लैटिट्यूड से होता है, और जो लॉन्गिट्यूड है वो लॉन्गिट्यूड से हमारा डेट और टाइम का होता है। फिर मैंने बताया था जैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, ये मान के चलो ये एरिया है, ये कट कर रही है, तो लैटिट्यूड ये यहाँ का एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया हो गया। तो यहाँ का जो, जैसे दिल्ली बताता हूँ मैं, दिल्ली है हमारा, ठीक है, दिल्ली हमारा 77 डिग्री नॉर्थ, वो 77 डिग्री ईस्ट, और उसके बाद कुछ 27 ये नॉर्दर्न उसमें आता है। तो अगर हमने एग्जैक्ट बता दिया कि जो हमारा ईस्ट लोकेशन है, ये हमारा ईस्ट लोकेशन हो गया जीरो डिग्री से, जीरो डिग्री है जैसे हमारा ये ग्रीनविच, तो इससे ईस्ट डायरेक्शन हो गया, तो ईस्ट डायरेक्शन में, और ये इक्वेटर से ऊपर है तो नॉर्थ डायरेक्शन में, तो हमने दोनों लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बता दिए, तो हमें पर्टिकुलर जो फिक्स एरिया है, फिक्स प्लेस है, उसके बारे में हमें पता लग जाएगा कि कौन सा एरिया है हमारा, ठीक है। फिर जो टोटल नंबर्स ऑफ लाइंस होती हैं, जो हमारी लैटिट्यूड होती हैं वो 181 होती हैं, 90 अबव नॉर्थ हेमिस्फीयर पे, 90 डाउन हेमिस्फीयर पे, और ओवरऑल जो उनके बीच में इक्वेटर है वो एक इक्वेटर हो गया, टोटल 181 हो गई। फिर उसके बाद बात करता हूँ लॉन्गिट्यूड की, लॉन्गिट्यूड 180 इधर हो गई लेफ्ट, वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, 180 वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, पर जो एक कॉमन लाइन है जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो एक माइनस करेंगे तो 359 हमारी जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस 359 हो गई और लैटिट्यूडनल लाइंस 181 हो गई, समझे। टाइम के बारे में मैंने बता दिया कि इस पे हमेशा टाइम सेम होगा, कि यहाँ का जो एरिया है ये, अगर मैंने बताया कि 82.5 है जैसे हमारा, तो 82.5 पे ना हमेशा हमारा जो पूरा लॉन्गिट्यूड है इस पे टाइम सेम होगा, 82.5 पे। और जैसे हमारा इंडिया है ना, तो इंडिया के बीच में जो इंडिया, तो उसके बीच में 30 डिग्री है, जो इंडिया है, इंडिया के बीच में जो टाइम का वो है वो 30 डिग्री का डिफरेंस है लैटिट्यूडनल, तो टोटल जो टाइम डिफरेंस है वो आपका इंडिया में 30 डिग्री है, मतलब जो ईस्ट और वेस्टर्न है तो जो उसका एरिया है इंडिया का वो 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री है तो एक डिग्री में कितना हुआ, 30 × 4 कितना हो गया, टोटल 120 हो गया, 120 मिनट्स। क्या प्रॉब्लम हो रहा है आज, 120 मिनट्स हो गया, ओके, तो 120 मिनट्स हो गया, 120 यानी कि 2 आवर। तो इंडिया का जो ईस्टर्न पॉइंट है और जो इंडिया का वेस्टर्न पॉइंट है, तो उसके बीच में जो डिफरेंस है ना वो 2 आवर का है,
अंडरस्टैंड, जो इंडिया का ईस्टर्न और वेस्टर्न जो पॉइंट है उनके बीच में 2 आवर का डिस्टेंस है, तो जिसके उससे अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो टाइम को उससे कि ईस्ट में क्या टाइम है, जैसे अज्यूम करते हैं कि वर्किंग कोई भी पीरियड है, कोई वर्किंग टाइम है, हमने डिसाइड कर दिया इस टाइम होगा, तो ईस्टर्न में अगर हमारा डिफरेंट टाइम होता, वेस्टर्न में हमारा डिफरेंट होता, तो पूरा सारा शेड्यूल में प्रॉब्लम होती। तो हमने एक 82.5 को ग्रीन जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उसे फिक्स कर दिया, तो उसी के बेसिस पे हमारा जो इंडियन का स्टैंडर्ड टाइम है वो 5 आवर 30 मिनट्स आ गया ग्रीनविच मीन टाइम से, ठीक है, क्योंकि 82.5 डिग्री आ गए, समझे। ये चीज है, फिर हमने लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड किस लिए जरूरत होती है वो बता दी, एक पर्टिकुलर अगर हमें लोकेशन हम कहाँ पे हैं जिस जगह को हमें फाइंड करना है तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हमें उस चीज के लिए हेल्प करती है, वो जो हमारा वो लॉटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जहाँ कट करती है वो डिग्री नदन और आपका ईस्टर्न उसका नदन, जैसे अगर मैंने बताया आपका लॉन्गिट्यूड तो नदन लॉन्गिट्यूड और जो आपका ईस्टर्न लैटिट्यूड है वो चीज फिक्स करके हमारी एक पर्टिकुलर प्लेस की पोजीशन आइडेंटिफाई हो जाएगी, ठीक है। फिर इस तरह हमारा पूरा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ये सब चीज़ हमें क्लाइमेट जोन कैसे होते हैं, कौन कौन से ट्रॉपिक जोन हो गया हमारा आर्टिक सर्कल, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के, फिर उसके बाद हमारा जो ये टेम्परेट जोन हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल के बीच में, ये हमारा टेम्परेट जोन है, मतलब यहाँ का जो टेम्परेचर है वो ठंडा होता है कंपेयर टू ट्रॉपिक जोन, ओके। और जैसे हमारा ये इससे ऊपर फ्रीज जोन हो गया, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। फिर उसके बाद हमने बताया क्यों इम्पोर्टेंस होती है लैटिट्यूड की, क्या इम्पोर्टेंस होती है लॉन्गिट्यूड की, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे, ठीक है, क्वेश्चंस को लॉन्गिट्यूड आप उस क्वेश्चंस है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस है। लॉन्गिट्यूड आर एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम अ इक्वेटर, ठीक है, लैटिट्यूड जो लॉन्गिट्यूड है वो इक्वेटर से एंगुलर डिस्टेंस है। देखो ये हमारा अर्थ है, ये इक्वेटर हो गया, पर लॉन्गिट्यूड मैंने क्या बताया था, लॉन्गिट्यूड हमारा ये होता है, ये लॉन्गिट्यूड, तो ये हमारा इक्वेटर से कहाँ एंगुलर डिस्टेंस है, इक्वेटर से नहीं है, हमारा प्राइम मेरिडियन से होता है, ये हमारा इंटरनेशनल ग्रीनविच जो टाइम है उससे एंगुलर डिस्टेंस बनाता है जो हमारा लॉन्गिट्यूड है, ना कि इक्वेटर से, तो ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। फिर लैटिट्यूड आर द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम अ प्राइम मेरिडियन, लैटिट्यूड ये हमारा लैटिट्यूड है, जो हमारा लैटिट्यूड है वो हमारा लैटिट्यूड हमारा जो एंगुलर डिस्टेंस बनाता है वो इक्वेटर से बनाता है, तो हमारा ये भी गलत हो गया, समझे। तो हमारा क्या है, इसमें पूछा है कौन सा क्वेश्चन, ये इसमें क्वेश्चन पूछ, इसको कर लेना इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट, सॉरी पता नहीं पेन में क्या प्रॉब्लम है, कोई नहीं मैं वैसे ही बताता हूँ, इसे आप ठीक कर लेना, इसमें इनकरेक्ट आएगा, कंसीडर द फॉलोइंग विच विल इनकरेक्ट, तो इसमें आंसर होगा बोथ, वन और टू दोनों इनकरेक्ट है, ठीक है, दोनों ही गलत है, ये दोनों चेंज कर दिए गए हैं, जो लॉन्गिट्यूड है वो एंगुलर डिस्टेंस है प्राइम मेरिडियन से और जो लैटिट्यूड है वो एंगुलर डिस्टेंस है इक्वेटर से, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है, एवरी कंट्री कैलकुलेट इट्स स्टैंडर्ड मेरिडियन एज द एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ग्रीनविच इट 12 नून एट जीएमटी, व्हाट इज द टाइम ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, जो 12 नून है हमारा ग्रीनविच मीन टाइम, मैंने बताया था कि इंडिया उससे 82.5 डिग्री आगे है ईस्टर्न टाइम, तो मतलब हम आगे चल रहे हैं, तो डैट मीन्स 82.5 डिग्री अगर हम उसे मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो 1 डिग्री से टोटल हमारा 5 आवर 30 मिनट्स है, तो जो हमारा इंडिया है जो अगर उसमें क्या कहते हैं आपका टाइम हो रहा होगा 12 नून, तो हमारे इंडिया के अंदर 5:30 PM हो रहा होगा, क्योंकि हमारा इंडिया का जो टाइम है वो 5:30 आवर आगे, समझे। एक क्वेश्चन यही क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन से, ठीक है। अगर मैं बात करूं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड ऑफ टाइम जोन्स, एवरी कंट्री कैलकुलेट्स स्टैंडर्ड टाइम एज द एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ ग्रीनविच टाइम, एवरी कंट्री हैज द ओनली वन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम इज 5.5 आवर्स अहेड ऑफ ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। देखो, एवरी कंट्री कैलकुलेट्स स्टैंडर्ड टाइम फ्रॉम ग्रीनविच, जो भी कंट्री होगी उसका स्टैंडर्ड टाइम होगा वो ग्रीनविच से ही होगा, ग्रीनविच से आगे या ग्रीनविच से पीछे, ईस्ट ऑफ ग्रीनविच या वेस्ट ऑफ ग्रीनविच, तो उसके जैसे हमारा इंडिया का टाइम है वो 5:30 आवर्स आगे या ग्रीनविच से, ठीक है, तो अपने अलग अलग कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये आंसर ऑप्शन गलत है, एवरी कंट्री हैज ओनली वन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम, ये क्या जैसे इंडिया का एक स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है सब कंट्री का एक स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम होगा, नहीं, जो हमारा रशिया उसके 11 स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है, वो इतना जो उसकी लेंथ है ना
वो इतना वाइड है कि उसका एक स्टैंडर्ड टाइम प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गैप है। तो जो अमेरिका वो रशिया है उसमें 11 स्टैंडर्ड टाइम है, अमेरिका के खुद 11 वो 6 स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है, कैनेडा का भी 6 स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है। सो ये ऑप्शन गलत है कि एक कंट्री का एक स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम होगा, जो हमारा एक कंट्री है उसके 6 भी हो सकते हैं 11 भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर हम बात करें इंडिया स्टैंडर्ड टाइम इज 5.5 आवर्स अहेड ऑफ ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। बताया था मैंने आपको कि हमारा जो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है वो 5.5 आवर्स क्या कहते हैं आगे है जो हमारा स्टैंडर्ड ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है। सो इसका आंसर होगा डी, ठीक है। सो ये आज का हमारा जो चैप्टर ये सेकंड था लॉन्गिट्यूड और लॉटीट्यूड, हमने एक एक करके डिस्कस किया लॉटीट्यूड क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है, क्यों हमारे लिए इंटरनेशनल जो हमारे लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड है यूज़फुल है, हमारी किसी पर्टिकुलर प्लेस को लोकेशन को फाइंड करने के लिए कौन कौन से जोन है, फ्री जोन क्या है, इक्वेटर कैसे है, कैसे हमारी ये जो पूरी अर्थ है वो डिवाइड की गई है इमेजनरी एक्सिस में तो उसे हम ईजिली फाइंड कर सकते हैं, टेम्परेचर सब चीज़ के लिए। तो आज का चैप्टर हम यहीं ख़त्म करते हैं, आगे हम फिर अपने थर्ड चैप्टर के साथ आपके साथ कल मिलते हैं, फिर डिस्कस करेंगे पूरे कॉन्सेप्ट्स को और एक एक करके, ठीक है। ओके, सो थैंक्स फ्रॉम माय साइड।